हमारी तरफ देखिए थोड़ा, आप जो विकास की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन विकास हो ही नहीं रहा है, और आपका ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन करके हम लोग के लिए सब प्रोजेक्ट रुका दिया है, डेवलप है 5.5-6 करोड़ रुपया, हमारा भी रेंट जा रहा है मेंबर्स का, 25 मेंबर्स का, लेकिन कोई देखता नहीं। हमारा विकास कब होगा? मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को जल्दी पैसा मिले। मुंबई कांदिवली की यह शिव महल सोसाइटी है जो पूरी तरह से अब खंडहर में तब्दील हो गई है। लगभग 1 साल का वक्त गुजर गया लेकिन यहाँ अब तक विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले विधायक के नाम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक ने ही इस काम को रुकवाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वह विकास कर रहे हैं इसलिए लोग उन्हें वोट देते हैं, लेकिन यह विकास का नजारा ही है जो आपके सामने दिख रहा है कि विकास अब खंडहर बन गया है। इस विकास के लिए यहाँ के सोसाइटी के तमाम लोग रोजाना जो है अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और यह मांग करते हैं कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि महज एक व्यक्ति के कारण पूरा प्रोजेक्ट जो है 1 साल से रुकवाया गया है। बाकायदे यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का विधायक लेटर देकर यह काम को रुकवाया है। कहते हैं कि गुजरातियों का मसीहा खुद को विधायक कहने वाला, वो खुद जो है इस काम को रुकवाया है। इसका साथ जो है यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने लेटर दिखाकर दिया है। सोसाइटी के लोगों को कहना है कि खुद विधायक ने लेटर जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दिया है कि इस काम को रुकवाया जाए, परमिशन न दिया जाए, जबकि सोसाइटी के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो विकासक है उसके साथ पूरी तरह से सहमति है, विकासक उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल हो गया इस बिल्डिंग को गिराए हुए। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने इसका डेमोलिशन किया था, उसके बाद से ही लोगों की यह उम्मीद थी कि शायद जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। हर किसी को यह उम्मीद होती है कि उनका आशियाना उन्हें जल्दी मिल जाए जिससे उनके परिवार के लोग उनकी सुविधा के अनुसार बाकी व्यवस्थाएं कर सके, लेकिन 1 साल के बावजूद भी जब विकास नहीं हुआ तो सोसाइटी के लोग दर दर भटकने लगे। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की यही विकास है जो यहाँ के रहवासियों के लिए विकास का काम रुकवा कर खुद को अपने आप को मसीहा कहलाते हैं, लेकिन जब चुनाव आ गया तो यही सोसाइटी के लोग उसी विकास को ध्यान में रखेंगे जो विकास यहाँ आपके टीवी कैमरे पर दिखाई दे रहा है? तो जाहिर तौर पर क्या सच में आप इसे विकास मानते हैं? अगर आप विकास मानते हैं तो आने वाले चुनाव में इसी विकास का जवाब आपको भी देना होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी यहाँ के सोसाइटी के लोग जो कहते हैं वह भी आपको सुनाते हैं और वह पत्र भी दिखाते हैं जिस पत्र को यहाँ के स्थानीय विधायक ने विकास रोकवाने के लिए दिया है। तो ये कैसा विकास है ये आप खुद सुनिए। शिकायत हमारी ये है कि हमारा डेवलपर एकदम फुल्ली रेडी है डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन योगेश सागर ने ना एक लेटर दे दिया है बीएमसी में, प्रपोजल डिपार्टमेंट में, तो बोला है कि ये प्रोजेक्ट को कोई भी एनओसी नहीं देंगे। हमारे सब वो तो वही जाने कि वो हमारे दुश्मन क्यों बन गए, लेकिन हमारा उसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम डेवलपर से एकदम कम्प्लीटली रेडी है। उसने आईओडी तक का पैसा भर दिया है और ये भी प्रोजेक्ट चालू करने का था तभी उसने रुका दिया है। चाहते हैं कि हमारा डेवलपर हमको ये बिल्डिंग बना के देवे। शिवमेल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ। जब हमने डेवलपर को काम दिया था तभी सब अच्छा था, फिर बीएमसी के कारण बिल्डिंग डिमोलाइज हो गया, उसमें 40 का भी डिमोलाइज हो गया है। फिर डेवलपर फिर भी तैयार थे करने के लिए, लेकिन फिर इधर जो हमारे कॉर्पोरेटर है उन्होंने कुछ लेटर डाला, उसकी वजह से हमारा काम सब डिले हो रहा है। हालांकि हमारे बिल्डर डेवलपर्स ने उनको बोला भी था कि आपका जो भी समस्या है आपको हम लोग रूम देके उसको सुलझा देंगे, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और वो लोग ने फिर ये कॉर्पोरेट के साथ मिलके एक्शन लिया हुआ, इसके लिए हमारा काम रुका हुआ है। आज 1.5 साल हो गया कि हम लोग समझो सब लोग घर के बाहर है और हमारा भाड़ा भी नहीं आ रहा है और सबको जेब से देना पड़ता है। मैं परेश मेहता हूँ, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, ह्यूमन सोसाइटी का। हमने बिल्डिंग बिल्डर को कंसेंट दिया, ही इज ऑल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट टू रीडेवलप, बट अभी कोई रीजन से हो नहीं रहा है, तो हमारा बिल्डर को पूरा सपोर्ट है, बट होना चाहिए बिल्डिंग, दैट इज माई विश, होना चाहिए। 1.5 साल से हम लोग रखड़ रहे हैं, कमिटीज आई एम नॉट मच अवेयर, बट रावल है और मैं इसी बिल्डिंग में जब से पैदा हुआ तब से यही रह रहा था। अब हमने पिछले चार सालों से इनके साथ सारी सहमति के साथ में इस जगह पर रहने वाले सारे मेंबर
अग्री थे, उसके बाद हमने ये काम आगे लिया था। बट बिल्डिंग टूटने के बाद में सिर्फ एक मेंबर की वजह से ये एक साल से रुका पड़ा हुआ है। और हमें ये नहीं पता कि ये देखिए ये लेटर हमारे योगेश सागर जी ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डाला हुआ है कि हमें आगे की कोई भी परमिशन ना मिले और हम किसी भी तरह का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ा पाए। योगेश सागर के साथ साथ में हमारे लीनाबेन दरेकर ने भी और एक लेटर वहीं पर दे दिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बन रहा। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि 25 से ज़्यादा लोगों को देखा जाए या सिर्फ एक आदमी को देखकर इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। हम बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो और हम सबको हमारा घर वापस मिले जी। इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, बट ऐसी कोई भी उनकी मंशा होती तो वो हमारे मैत्री बिल्डर जो है वो हमेशा सहकार्य के लिए रेडी है, वो आए उनकी बात रखे सामने। और आज तक जीवन में कोई ऐसी हमने समस्या नहीं देखी जिसको बात करके सुलझाया ना जा सके, तो आए वो सामने बात करें, समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि किसी एक आदमी की मंशा की वजह से बाकी के 25 से ज़्यादा लोगों को घर के बिना एक साल से ज़्यादा रखा जाए। से पूरा संतुष्टि है, मगर हमारा काम क्यों अटका गया? वो सब MLA राजकारणी लोगों से हमारा काम पूरा अटकाया गया। और हमारे पापा भी सीनियर सिटीजन है, ये भी सीनियर सिटीजन है, और इनका दुकान का धंधा है, सबका अटक गया है काम। अभी हमको तो अर्जी यही है कि हमारा बिल्डिंग तुरंत बन जाए। डेवलपर ने सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला है और सबका किया भी है प्रॉब्लम सॉल्व। वो तो अभी शिकायत करने वाले का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, मगर हमारा डेवलपर ने सबका काम पूरा करके ही बाद में लिया यार। हाँ, सबका किया, हमारी शॉप थी, हमको भी किया था, अच्छे से किया, और उनके साथ में ही डेवलपर है तो हमने बहुत साथ आप्यो छे, सहकार आप्यो छे, ये सारा छे, एनो कोई वांधो नथी हमने, अने हमने काम पण जल्दी करी आपवा कीधुं छे, पण आ प्रॉब्लम ना हिसाबे नथी थतुं। मुझे अस्थमा डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम है और मेरा दुकान टूटा हुआ है, आज देखा तो। अब ये काम कब चालू करे इसके लिए आप जल्दी से कार्रवाई करें। किसने उकाया वो मुझे अभी मालूम नहीं है, जिसने उकाया है उससे जल्दी से निपट कर मुझे मेरा दुकान का काम। हम लोग ने भी अपना डेवलपर को पूरा अपना कंसर्न दे दिया है, सब लोग रेडी है, खाली एक ही अपना है वो अपना रेडी नहीं है, सबने कंसर्न दे दिया। कौशिक भद्रेश्वरा वो रेडी नहीं है, बस बाकी हम लोग अपना सबने कंसर्न दे दिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, डीए कर लिया है अपना, सब अपना काम बहुत सरस से। પણ જે MLA છે એ કામ અટકાવે છે, એને કામ શું કામ અટકાવવું જોઈએ? અમને જે ભાડુઆતને જે તકલીફ છે એ બિલ્ડર જાણે છે, MLA નથી જાણતો। આજે એક બે જણને લીધે અમારા 30-30 જણા અમે લોકો બહાર રખડ્યું છે, અને અમને લોકોને આવી રીતે રસ્તે રખડતા જોઈને શું એટલો લોકોને મજા આવતી હશે એમ કરીને, એટલે હેરાન થઈ ગઈ છે, અમે બધા બાંધા પડી ગયા છે। બિલકુલ તમને સમાચાર છે કોઈ યોગેશ સાગર આપણા MLA જે એને લેટર નાખ્યો છે? હા, એ તો ખબર પડી હતી, સાંભળ્યું હતું, પણ આ બધું ખોટું જ કે, એટલે હવે આ બધા પોલિટિશિયન્સ ના કામ છે।